अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हाईली इम्पोर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे दो ऐसे शेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हर साल बाकायदगी से बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं और ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट को 2 से 3 गुना बढ़ा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। क्योंकि व्यूअर्स, मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में आपको टाइमली गाइड करूं, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। व्यूअर्स, ये दो स्टॉक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये साल में 2 मरतबा और 4 मरतबा डिविडेंड देने वाले शेयर हैं और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो डिविडेंड देने वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक की सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। अगर आप डिविडेंड वाले शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको ये होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, शेयर का प्राइस कम भी होगा और ज़्यादा भी होगा, तो जब आपको डिविडेंड मिलता रहेगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं और आपके अकाउंट में डिविडेंड की सूरत में जो अमाउंट आ रही होती है उसे आपको एक मोटिवेशन मिलती रहती है। तो व्यूअर्स, डिविडेंड वाले स्टॉक्स में फ़ायदा ये होता है कि मार्केट जितनी भी टूट जाती है, लेकिन ये डिविडेंड वाले शेयर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कंसिस्टेंट होते हैं कि जब बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है या डिविडेंड देते हैं तो इनमें दोबारा से बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाती है, तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है लॉन्ग टर्म में। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा स्टॉक है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड, EPCL। EPCL एक ऐसा शेयर है केमिकल सेक्टर का जो हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड अनाउंस ज़रूर करता है, और जब ये बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और अभी जो इसमें मुझे चार्म नज़र आ रहा है वो ये है कि करंट प्राइस आप देखेंगे इस वक्त 39 पर आ गई है शेयर की, और लास्ट ईयर ये इस साल इसने हिस्ट्री का हाई बनाया था 93.48। तो अभी इसका जो पैटर्न बन रहा है वो उस हिसाब से ये ऊपर की तरफ अभी जा सकता है, 3 से 4 रुपये मज़ीद इजाफा दे सकता है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 36.52 है। EPS 2 क्वार्टर का है 2023 में और 3.02 इसका EPS है। अर्निंग लास्ट ईयर के मुकाबले में कम है, लेकिन अर्निंग जो है वो इसकी बढ़ सकती है क्योंकि कंपनी का प्लान है, क्योंकि कंपनी एक्सपोर्ट करना चाह रही है अब, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि जहाँ से कंपनी का इतना प्रॉफिट जो है वो रेवेन्यू आ नहीं पा रहा है, तो कंपनी चाहती है कि अपने एक्सपेंशन को हम एक्सपोर्ट में लाएं ताकि एक्सपोर्ट से अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। तो कंपनी बहुत विजनरी है और फ्यूचर में बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है कंपनी की, और एंग्रो ग्रुप का हिस्सा है, वैसे भी स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो सकती है एंग्रो पॉलीमर। बुक वैल्यू 30 की है और डिविडेंड ये हर साल 4 क्वार्टर में बाकायदगी से देता है और तकरीबन 10 से 12 रुपए का ये डिविडेंड देता है साल में। हिस्ट्री का हाई 93.48 है जो कि 2022 में इसने बनाया था, और ये लास्ट ईयर तकरीबन आप देखें अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इसको, और ये अभी नीचे की तरफ आया है काफ़ी शेयर। अब जो है वो पैटर्न ऐसा बन रहा है कि ये अब दोबारा से यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, और शॉर्ट टर्म में मैं बता रहा हूँ कि 3 से 4 रुपये का गेन मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा शेयर है ये, डिविडेंड के साथ साथ बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है आपको इस स्टॉक में। तो EPCL को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको लॉन्ग टर्म में। दूसरे नंबर पर हमारा स्टॉक है लोटे केमिकल। लोटे केमिकल बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली केमिकल सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है, और बहुत कम अर्से में इन्होंने अपने बिज़नेस को ग्रो किया है। अब ये बिज़नेस जो है वो एक्वायर किया है LCI ने, तो बड़े ग्रुप का हिस्सा बन चुका है,
करंट प्राइस इसकी 22 पर इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है और बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है। और हाल ही में इसने 35 का हाई बनाया था, उसके बाद से गिरता हुआ ये 22 पर आ गया है। मार्केट के कुछ हालात हैं और हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल मसाइल हैं जिसकी वजह से कंपनी की जो अर्निंग है वो कम हुई है, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छी अर्निंग पोटेंशियल वाली कंपनी है और मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इससे बेहतरीन स्टॉक केमिकल सेक्टर में हो नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रोथ ओरिएंटेड होने के साथ साथ ये हर साल डिविडेंड भी अच्छा देता आ रहा है। और मार्केट कैपिटल की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटल 35 बिलियन की है। EPS दो क्वार्टर का है, 2023 में 1.88 EPS है। लास्ट ईयर के मुकाबले में अर्निंग बहुत कम है। बुक वैल्यू इसकी 15 रुपीज़ की है और हर साल ये डिविडेंड अनाउंस कर रहा है 4 से 6 रुपये का, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो डिविडेंड देने वाले शेयर होते हैं ना, वो एट द एंड आपको फ़ायदा ही देके जाते हैं। और ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक जिसमें हम लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दें तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हिस्ट्री का हाई इसका 35 है, जो कि 2022 में इसने बनाया था, और अभी तकरीबन ये 6-7 महीने पहले ये 35 का हाई बनाया था और फिर ये गिरता अभी 22 पर आ गया है। इसने अभी डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और लास्ट क्वार्टर में और फर्स्ट क्वार्टर 2023 में भी इसने डिविडेंड दिया है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 4 से 6 रुपये का डिविडेंड देने वाला शेयर है और बहुत ही कम प्राइस में इस वक्त मिल रहा है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये दो ऐसे शेयर आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए हैं केमिकल सेक्टर के, जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। और नुकसान के चांसेस इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों शेयर बाकायदगी से डिविडेंड देते आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो में मैंने दो ऐसे स्टॉक्स आपसे डिस्कस किए हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने का हमेशा से मकसद यही होता है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे स्टॉक्स को मैं आपके साथ शेयर करूं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट पर अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।